हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन में। दोस्तों, ये हमने टीन शेड बनाया है, एक जो कि दुकान के आगे लगाया हुआ है, जैसे कोई शॉप्स वगैरह होती हैं उनके आगे लगा जाते हैं, छोटे शेड होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इसको लगाने में कितना खर्चा आता है और ये इसको लगाने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इसको लगाने का ये है कि जैसे आप ये मकान के ऊपर देख रहे हैं, ये जो इसका छज्जा है मकान का ना, ये कम निकला हुआ है थोड़ा सा, बारिश का पानी रुकता नहीं है और ऊंचा भी है ये। और ये जो शॉप्स के शटर हैं वो थोड़े नीचे रहते हैं हमेशा, तो पानी क्या होता है, बारिश का पानी जो है ना सीधा दुकान में अंदर चला जाता है, आधे तक चला जाता है आधे अंदर। अब ये काउंटर और जो सामान होता है वो सब भीग जाता है बारिश से, तो उसमें जो है इसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास भी शॉप है तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा मोटा खर्च नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लगाना कैसे है और कितना इसमें कॉस्ट आएगा, खर्चा आएगा आपका। एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए, ये है इसका, इसका जो साइज है वो 20 फिट तो इसकी लेंथ है ऐसे यहाँ से लेके और वो वाले पोर्शन तक 20 फिट है, और इसकी जो गहराई है वो 4 फिट है। तो इसमें जो हमने बनाई हुई है ये कैंची, इसको कैंची बोलते हैं, इधर से जो ये फ्रेम लगा है, एक कैंची ये है, एक सेंटर में है और एक ये उस साइड में है। ये जो कैची हमने बनाई है ये 1.25 इंच के एंगल की बनी हुई है, ठीक है, 1.25 इंच के एंगल की बनी हुई कैची है ये, और ये आगे भी एक 1.25 इंच का एंगल लगाया हुआ है, जो नीचे ऊपर की साइड में पाइप है 1x2 का और नीचे की साइड में 1.25 इंच का एंगल है, ये पूरा एंगल लगाया हुआ है ताकि भविष्य में जो है ना कभी इसमें आगे से हम शीट लगा सकते हैं, जो हमारी लोहे की शीट आती है चादर, और उसके ऊपर फिर हम कुछ भी अगर लिखाई करवानी है या कुछ भी अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, दुकान का शॉप का नाम लिखना है तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर तो लिख नहीं सकते, अब वो तो ढक गया सारा, तो इसके ऊपर ही जो है लिखा जाता है, इसके सामने शीट लग जाती है। और चादर भी जो है इसमें पाउडर कोटिंग वाली चादर लगी है टाटा की, और अच्छी क्वालिटी की चादर है ये, ठीक है। कलर ग्रीन है इसका, अंदर से जो है ये ग्रे कलर इनमें रहता है, सभी का ग्रे कलर रहता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपनी पेंट, अपनी पसंद का पेंट करा सकते हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें पेंट कराने की ना। तो ये थी, और बाकी इसमें जो है दो पाइप लगाए हुए हैं 1 इंची बाई 2 इंची के, एक पाइप तो आप वो है सामने और एक पाइप ये है 1 इंची बाई 2 इंची का, और उसके बाद में लगाए हुए हैं ताकि ये नीचे झुके ना, क्योंकि आगे तो इसमें सपोर्ट है नहीं, दे नहीं सकते, आगे रोड है ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, यह है पूरा इसका आगे जो है ना, आगे ना यहाँ सपोर्ट है ना यहाँ सपोर्ट है ना साइड में, 3 सपोर्ट इसमें कम से कम लगने चाहिए, तो वो सपोर्ट नहीं है, तो क्योंकि 4 फीट है ना इसकी हाइट, तो आगे रोड भी है तो इसलिए सपोर्ट नहीं लगा सकते, कोई गाड़ी वगैरह निकालने में या आने जाने में दिक्कत हो किसी को, तो उसके लिए क्या किया हुआ है हमने, ये एक एंगल लगाया हुआ है यहाँ पर ना, एक एक तीनों में ऐसी है, एक एक एंगल ये है सीधा यहाँ पर वेल्ड किया हुआ है, ये मेक लगा, गुल मेक जो होती है उसको ठोक के, एक बीच सेंटर में और एक साइड में, और इसको यहाँ वेल्ड किया हुआ है ऊपर, और उसके बाद सामान वगैरह जो भी अपना यहाँ पे लटकाना होता तो उसके लिए जय हो हमने लगाए हुए हैं तीनों कैची में, सेंटर में भी हैं और दोनों साइडों में भी। इसका खर्च मैं आपको बता देता हूँ, एक पाइप तो इसमें ये लगा है 1 इंची बाई 2 इंची का, और एक पाइप वो लगा है, तो इसमें लगभग लगभग सारा मिला के 4,500 रुपये का लोहा इसमें लगा है, और आपका जो है 3,500 की इसमें शीट लगी हुई है, ये 24 फिट शीट है, 3,500 के, सॉरी 3,500-4,000 के बीच में ही पड़ी है हमको,
टोटल इसमें जो कॉस्ट आई है मटेरियल की वो 8,000 रुपये आई है और 2,000 रुपये इसमें मिस्त्री की बनाई है, और 500 रुपये जो है वो इसमें पेंट करने के जो है पेंटर ने लिए हैं। तो टोटल मिला के इसमें 10,500 रुपये 11,000 रुपये इसमें खर्चा आया है। और ये बहुत अच्छा मजबूत शेड है, कोई ऐसा नहीं है कि भविष्य में अगर कभी आप इसको निकालना भी चाहें तो आराम से निकल जाता है। ये बीच दीवार में कुछ उन्हीं गुल में ठोक के और वेल्ड किए हुए हैं, टच लगाए हुए वेल्डिंग के टाके लगाए हुए हैं। और ये शीट जो है थोड़ी अच्छी लगती है दुकान के आगे ना पड़ी हुई, क्योंकि इसका कलर भी अच्छा है और ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है इसमें। आप देखो अगर आप सीमेंट की जहाँ भी बनाते हो तो इससे ज़्यादा खर्चा आ जाता है छज्जा अगर सीमेंट का बनाना पड़ता है तो, लेकिन इसमें इतनी कोई कॉस्ट नहीं है। 10-11 हज़ार रुपये में ये आराम से अपना तैयार हो गया है। साइज आपको मैंने इसका बता दिया है, 4 फीट इसकी गहराई है और 20 फीट इसकी लेंथ है, और ये जो हाइट है हमने यहाँ से आगे से ये 10 फीट रखी हुई है और पीछे से जो है 11 फीट हाइट है और 1 फीट का जो इसमें ढाल है ताकि पानी जो है जो भी निकले आसानी से वो नीचे गिर सके। अभी इसमें जो पतनाला लगता वो नहीं लगाया हुआ है और आगे शीट भी नहीं लगाई हुई है, ये कभी इनको ज़रूरत लगेगी तो भविष्य में लगवा लेंगे।